दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसी कमाल की वेबसाइट्स के बारे में जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो भाई आपके लिए तो सोने पे सुहागा होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आओ फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 3 पर वेबसाइट आती है pixels.com। तो इस वेबसाइट पर आपको अलग अलग कैटेगरी की वीडियो क्लिप्स देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हर तरीके की वीडियो क्लिप। और अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप अपनी वीडियो में ये वाली वीडियो क्लिप्स आसानी से यूज भी कर सकते हो, जिस तरीके की आपको चाहिए आप आसानी से यहाँ से ले सकते हो। और हाँ, अगर आप एक विदाउट फीस के वीडियोस बनाते हैं YouTube पर तो आप इनका यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, नो कॉपीराइट है। तो यहाँ से आप बिल्कुल कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ ट्रैवलिंग, तो आप यहाँ से ट्रैवलिंग की यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी वीडियोज आ चुकी है। तो ऐसे ही मैं कुछ और सर्च कर देखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी है और आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो अभी हमने वीडियो क्लिप्स की तो बात कर ली है, तो अब हम बात करेंगे फोटोज के लिए कोई बेहतरीन सी वेबसाइट। तो भैया मुझे जो सबसे बेहतर लगती है वो है पिंटरेस्ट। और हाँ, आपने इसका नाम तो जरूरी सुना होगा। तो इस वाली वेबसाइट पर आपको A to Z फोटोज देखने को मिल जाएंगे, मतलब यहाँ से आप अपना मन चाहा फोटो डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, आपको इस वेबसाइट का एक ऐप भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर पिंटरेस्ट सर्च कर देना और आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं और हाँ, बिल्कुल नो कॉपीराइट फोटोज होंगे और आप आसानी से अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हो और आपको सारे के सारे फोटोज हाई क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये वेबसाइट आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो अभी हमने फोटोज तो डाउनलोड कर लिए हैं, अब बारी है फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने की। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आधे घंटे में हम इरेज करके फोटो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। पर अब मैं कहूं कि आप एक चुटकी में फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, यकीन नहीं हो रहा ना? तो चलो मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली करके। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है slazer.com। तो आपको सिंपली डाल देना है और देखो वेबसाइट आ चुकी है। अब क्या करना है, इसको ओपन करो और यहाँ पर आप अपनी गैलरी में से एक फोटो ले लो, जो भी आपको जिसका भी आपको फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो अभी जैसे कि मैंने ये ले लिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर लोडिंग चल रही है और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो यार यही थी हमारी तीन कमाल की वेबसाइट। तो आपको कौन सी पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।